नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं विवेक तिवारी मर्डर की, जो यूपी पुलिस ने बेरहमी से एक आम इंसान की मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मर्डर कर दिया। आप जब लखनऊ जाइएगा तो आपको, जब आप अगर आप फोर व्हीलर से हैं या फिर किसी वाहन से हैं, तो आप जब लखनऊ में एंटर करेंगे तो बड़े बोर्ड में लिखा रहता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और आज जो स्थिति पैदा हो गई है, उसने इस शब्द को चेंज करके रख दिया है। खौफ खाइए कि आप लखनऊ में हैं। वैसे मैं भी लखनऊ का हूँ और लखनऊ से बहुत गहरा नाता भी है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस लखनऊ में नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसे एक मिठास और एक शहद जैसी भाषा से एक दूसरे को बुलाने पर इस्तेमाल की जाती है भाषा, अमा यार, बड़े भाई, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। और उस शहर में इस समय कोहराम मचा हुआ है, दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सड़कों पर लोग सरकार और पुलिस के खिलाफ उतर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अगर पुलिस एक आम इंसान को मार देती है तो फिर क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में पुलिस अपने रवैये से बाज आ जाएगी। सवाल ये है, जो विपक्षी दल, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, अगर विवेक तिवारी के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं तो उसमें भी राजनीतिक कारण है। और राजनीति भुनाना राजनीतिक पार्टियों का एक रवैया रहता है। सोनिया गांधी विवेक तिवारी के घर पर पत्नी को फोन करती हैं, अखिलेश यादव विवेक तिवारी के घर पर जाते हैं और वहां से लौट के आने के बाद विवेक तिवारी के लिए सांत्वना तो देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को क्या बोलते हैं और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा और ये भी कहा है कि इस सरकार को हटना चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव ने अपने दामन में लगे दागों को देखा था? क्या उन्होंने राजनीतिक पार्टी छोड़ी थी? मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, इतने लोग मारे गए थे, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं थे? उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं थी? तो ऐसे में बड़बोले बयान दे करके अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से कटाक्ष किया है योगी आदित्यनाथ पर। पूरे समाज के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, जानना चाहते थे कि आखिरकार घटना कैसे हुई, कैसे जान ले ली गई। और फिर उसके बाद नोएडा में क्या आंदोलन नहीं हुआ? क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं गए उस धरने पर? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची बीजेपी के अलावा जो नोएडा में न गई हो? नोएडा में एक नौजवान के पुलिस ने गोली मार दी, क्या घटना वो नहीं भूले लोग? अभी अलीगढ़ में, इससे पहले अलीगढ़ की घटना है, जानते होंगे आप, हटाइए तो कम से कम लगा कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है पुलिस के ऊपर। और उसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार जिम्मेदार है। और केवल यही घटना नहीं, क्या जेल में मार दिया जाएगा? चलो अपराधी था, लेकिन जेल में कैसे मार दिया गया? उस समय भी मैंने यही कहा था, पार्टी ने भी यही कहा था कि ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ सजा हो। और सजा तो लोकतंत्र में अभी होती किसी है। के सर सना भी कार्रवाई नहीं हुई सर, चश्मदीद है, चश्मदीद है, सना को नजरबंद किया गया है कि सरकार हटे सर, सना चश्मदीद है, उसको नजरबंद किया गया है, सरकार हटे। और क्या क्या है, किसने सरकार में है आप? क्या लोगों को मारने के लिए सरकार में आप? काम तो आप कर नहीं रहे, विकास तो कर नहीं रहे आप, आप डरा रहे हो लोगों को, आप लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हो। ये
सरकार भय पैदा करने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को जाना चाहिए सर, और जनता को जब सर चश्मदीद है, सना को नजरबंद किया गया है सर, इतना बड़ा मामला। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ पूरा मामला है ये सरकार छिपा रही है, पुलिस छिपा रही है, और आखिरकार पुलिस क्यों छिपा रही है सर? अभी तक सर चश्मदीद कार्रवाई भी नहीं हुई, अभी सर चश्मदीद सना को नजरबंद किया गया है सर, चश्मदीद सना को नजरबंद कर दिया गया है, ये तो पुलिस ही बता सकती है कि नजरबंद क्यों किया गया है। नहीं, अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये सरकार के लोग बता सकते हैं कि आखिरकार नजरबंद क्यों किया गया है सर? क्या दो ही पुलिस कर्मी दोषी थे, बाकी और कोई दोषी नहीं थे इस पूरे मामले को लेकर? जो इस बात को छिपा रहे हैं वो भी दोषी उतने ही हैं जितने घटना करने वाले दोषी हैं सर। आप परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें सच ही नहीं पता लगा, सच तो बाद में पता लगा जब गोली देखी उन्होंने। सर आप सना से मिलने की कोशिश करेंगे सर, उसे नजरबंद किया गया है? मैं समझता हूँ जनता सच्चाई जानना चाहती है, और कम से कम सरकार की जिम्मेदारी है कि सच्चाई सामने आए। परिवार की मदद हो, मैंने पहले भी कहा कि सरकारी नौकरी, उनका स्टेटस देखो क्या स्टेटस है। वो खुद एप्पल में काम करते थे, क्या उनकी पत्नी को अच्छी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी पत्नी जो चाहे वो नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? कई बार ऐसी घटना हुई थी पुरानी सरकार में, जहाँ पर जो परिवार ने चाहा वो नौकरी दी हमने। एक आईएएस हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए थे, उनके परिवार को नौकरी ओएसडी दी कि नहीं दी? तो क्या सरकार इनके परिवार को नहीं नौकरी दे सकती? और फिर मदद, क्या बेटियों का भविष्य क्या होगा? दो बेटियां जिन्हें पढ़ना है, कल को उनके परिवार के चाहेंगे कुछ पढ़ाई कर लें, और उनके पिताजी ने कोई तो सपना देखा होगा बेटियों के लिए, तो कितनी मदद करेंगे आप कागज पर काट करके मदद कर रहे हो कि इतना करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सरकार पर खजाना भरा पड़ा है, 5 करोड़ के उस परिवार की मदद करनी चाहिए। इस सरकार में किसी जाति का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? अरे यार आईटी नीचे, देखिए वो उन बातों को मैं इसलिए नहीं कहूंगा, उन बातों पे रोशनी आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं डालूंगा तो मेरी बुराई होगी। मैं आपसे चाहूंगा, जो सवाल आपने पूछा है, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप जिस जिले में पहले पत्रकारिता करते थे मैं आपको सुनता था, बहुत जिम्मेदारी से बात कहते थे। मुझे उम्मीद है कि रोशनी आप डालेंगे उस बात को जो बात आपने कही है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों से तो जनता ये कहेगी कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कम से कम आप लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, आप उस सच्चाई को आगे करिए। और मैं तो जानता हूँ घटनाएं, मैंने सुमित गुर्जर की घटना बताई आपको, क्या लोगों ने धरना नहीं दिया, महीनों नहीं बैठे रहे लोग? वो जो नोएडा में मार दिया गया जितेंद्र यादव, क्या उसके लिए धरना हर पार्टी के लोगों ने नहीं किया? क्या अलीगढ़ में जो मुस्लिम नौजवान मार दिया गया, ये सुल्तानपुर में याद कीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नौजवान एक पढ़ता था, और क्योंकि पुलिस का जो कर्मचारी अधिकारी था वो कभी उससे टकराव हो गया था, उसे मौका मिल गया वो बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए उसका एनकाउंटर करने जा रहा था। क्या आपको नहीं पता ये बातें? यूपी के लखनऊ में एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा है कि विवेक तिवारी को लगी गोली किसी ऊंची जगह से चली थी। विवेक के साथ काम करने वाली पूर्व सहकर्मी और दोस्त सना का कहना है कि सिपाही ने डिवाइडर पर खड़े होकर गोली मारी थी। वहीं इस मामले पर पुलिस ने दावा किया है कि विवेक ने अपनी गाड़ी से सिपाही को कुचलने की कोशिश की थी, जिसके बाद सिपाही ने अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, लेकिन वो गोली विवेक तिवारी के चेहरे पर लग गई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस के दावे की पोल खोल दी है। इस पूरी घटना की जश्मदीद सना के बयान से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात काफ़ी मिल रही है। सना ने कहा था कि सिपाही डिवाइडर पर खड़ा था और उसने सामने से आती हुई कार को अपनी गोली का निशाना बनाया, सिपाही की जान को कोई खतरा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सिपाही की गोली विवेक तिवारी की ठोड़ी में जाके लगी और गर्दन में नीचे जाकर फंस गई। 29 सितंबर को ही इस घटना के बाद विवेक को रात को 2 बजे से करीब हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने गोली लगने के बाद इस मामले को एक्सीडेंट थ्योरी थी।
और मैं आपको पूरी खबर में जिस तरीके से आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ इसी के साथ कि विवेक तिवारी को, क्योंकि अभी बहुत सारे बयान आए थे विवेक जो मनी जो पुष्पिन चौधरी जो चौधरी है जिस कांस्टेबल था उसके बयान आए और उनकी विवेक की पत्नी का बयान आया और पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बहुत सारी बातें बताई। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा मैच खा रहा है सना से जो उनकी विवेक तिवारी की सहकर्मी थी। उन्होंने किस तरीके से एक खुलासा हुआ है कि डिवाइडर पर खड़े होकर के कांस्टेबल ने गोली मारी थी। ये खुलासा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।